हाय हाय हेलो गाइस वेलकम, कैसे हो आप सभी। आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। गाइस आई एम ओम एंड यू आर वाचिंग OMW। फ्रेंड्स, दिस सेशन इज ऑल अबाउट अ केस स्टडी व्हिच इज बेस्ड ऑन अ मोटिवेशनल फैक्ट, द मोटिवेशनल लाइफ्स दैट अ मैन लिव्ड। यानी कि इस सेशन में एक केस स्टडी के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। एंड वो कुछ इस तरह से है कि एक बुजुर्ग आदमी होते हैं जो कि एक एकांत में अपना घर बनाए हुए है, राइट, एक पर्वत के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर, और वहीं रहते हैं। उनका लगभग 50 से 60 साल चला जा चुका है और बचे हुए 20-30 साल के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने इस 50-60 साल में क्या किया, कुछ नहीं किया, बल्कि ये किया कि उन्होंने ज्ञान को अर्जित करने में लगाया, ध्यान करने में लगाया, मेडिटेशन में लगाया एंड अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाया। जो कि वो मतलब कहते हैं ना कि लोगों के पास बहुत सारे धन दौलत भी हो जाए तो भी वो हैप्पीनेस को सीक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा काम नहीं किया। बट उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन काल अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर लगाया और बहुत सारी पुस्तकें का पाठ किया। उससे उन्हें बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो अपने क्षेत्र में इस बात के लिए फेमस थे कि किसी जन के पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ करता था जिस क्वेश्चन का उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास सॉल्यूशन यानी कि आंसर नहीं हुआ करता था, राइट। इसलिए वहाँ पे ना लोग तरह तरह के प्रश्न ढूंढते रहते थे कि भाई क्या प्रश्न खोजूं ताकि उस व्यक्ति को टारगेट किया जाए, उस व्यक्ति को मतलब डिफीट किया जाए कि वो आंसर ना दे पाए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट वो सारे अनसक्सेसफुल रहे हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास हर एक तत्व का, हर एक प्रश्न का जवाब रहता था, चाहे वो प्रश्न किसी से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, उनके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता था। बट डिफरेंस यही था, जैसा कि मैंने पिछले भी बताया था कि उसने धन अर्जन के लिए काम नहीं किया, उन्होंने ज्ञान अर्जन के लिए काम किया, राइट। और इसी क्रम में एक बच्चा आता है, बहुत सारे बच्चे उनसे प्रश्न करते हैं बट वो सारे प्रश्न का आंसर दे देते हैं। और आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को टारगेट करेंगे, अरे इसको फंसाना है, इसको कैसे लपेटा जाए, इसको क्या किया जाए, इस तरह का। इसी क्रम में एक बच्चा आता है जो कि अपने हाथ में एक पक्षी को लेके आता है, छोटा सा पक्षी, और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आता है ये सोचकर कि इस पक्षी को मैं हाथ में रखा हुआ हूँ और जाके मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछूंगा कि सर आप ये बताओ कि ये पक्षी जिंदा है या मृत है, तो उनका कोई आंसर होगा ना। तो वो बच्चा सोचता है कि अगर वो गुरु बोले कि ये मृत है तो मैं इसे उड़ा दूंगा, वो जिंदा हो जाए, जिंदा रूप में उड़ रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ने गलत किया ना, गलत आंसर दिया ना। और अगर गुरुजी कहते हैं कि ये मृत, सॉरी ये जिंदा है, तो मैं अपने हाथ से उसको क्रश कर दूंगा और वो पक्षी मर जाएंगे और मैं गुरुजी को बोल दूंगा कि आप गुरुजी इसका आंसर नहीं दे पाए। यही सोच लेके वो बच्चा गुरुजी के पास पर्वत के ऊपर जाते हैं और उनसे यही प्रश्न रिपीट करते हैं कि बताइए गुरुजी कि ये पक्षी का बच्चा मृत है या जिंदा है। तो गुरुजी का आंसर कुछ इस तरह से होता है कि थोड़ा आप लोग सोचिए कि गुरुजी क्या बोलने वाले हैं, क्या बोले गुरुजी, जरा सोचिएगा, कमेंट में डालिएगा, ओके डाल दिए। हाँ अब मैं बताता हूँ, तो गुरुजी का आंसर ये था कि बेटा ये तो तुम्हारे हाथ में है कि इसे तुम चाहो तो जिंदा छोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो क्रश कर सकते हो, इट्स टोटली इन योर हैंड, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मेहनत के ऊपर है भाई, तुम जैसा करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे ये बच्चा का प्रश्न का जो आंसर है वो बहुत ही गर्दा रूप में मिल गया। सो गाइज, इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिलता है, यही कि आपके हाथ में हर चीज़ है, आपका जो कमान है ना, आप जैसे कि मान लीजिए किसी समुद्र में कोई सबमरीन है तो उसका कुछ डायरेक्शन होता है, नेविगेशन,
तो वो किसके पास होता है? कैप्टन के पास होता है। सेम लाइक दैट आपके जीवन के लिए, आपके जीवन का नेविगेशन आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसे राइट टर्न कर दो, आप चाहो तो इसे लेफ्ट टर्न कर दो, या फिर आप चाहो तो स्ट्रेट ले जाओ अपनी सक्सेस की तरफ, आप जो सोचे हो उसको प्राप्त करने के लिए। और दूसरी मोरल ये है कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी इंसान से या फिर किसी वस्तु से आपको कुछ सीखने को मिला है तो उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करिए। भले ही समय समय के बाद आपके पास उस ज्ञान का स्तर बढ़ता जाए तो भी उन्हें अप्रिशिएट करना है, उनकी बुराई नहीं करना है। जिनसे भी आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिला है ना, उसकी बुराई कभी नहीं करनी है। एक्चुअली यार क्रिटिसिज्म ना बहुत बुरी हथियार है। किसी की क्रिटिसिज्म करने, एक्चुअली क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि आप अपने माइंड में, आप अपने सबकॉन्शियस के अंदर एक पौधे को प्लांट कर रहे हो जो कि आपको इस बात के लिए ट्रिगर करता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपको कम आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी शिक्षक से कोई चीज़ सीखा, कोई स्किल सीखा। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए किसी गुरु के पास गए आप और आपने उससे ये जो श्वसन होता है रेस्पिरेशन, इसको लेने और छोड़ने का यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का टेक्निक सीखा, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है आपको बहुत जगह पे। इससे मतलब डर का जो एहसास होता है ना वो कम हो जाती है अगर आपका ब्रीदिंग पे कमांड है, कंट्रोल है तो। और उस गुरु ने आपको कुछ बताया कि भाई इस तरह से ब्रीद लेते हैं कि लो आराम से, यानी कि पेट बाहर आना चाहिए फिर पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है, और उस ज्ञान को लेके आपने आगे अपने जीवन पे अप्लाई किया, फिर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे, यानी कि मेडिटेशन के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, और कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, बाय गुड लक। तो आप ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार वो गुरु यार वो क्या सिखाया यार, पर बोला ऐसे ऐसे सांस पेट बाहर पेट अंदर यार, तो ये क्रिटिसिज्म करने लगते हैं जो कि बहुत बुराई है। वो आपका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो भी रिड्यूस हो जाता है उस क्रिटिसिज्म की वजह से। इसलिए किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना है। एक्चुअली इस दुनिया में जितने भी चीज़ है ना, वो हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है अगर हमारा माइंड कंस्ट्रक्टिव हो तो, अगर हमारा माइंड फोकस्ड हो उनसे कुछ सीखने में तो। सो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और उस बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ सीखने को मिला होगा कि आप धन अर्जन के जगह आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करिए, आप अपने मानसिक स्तर पे वृद्धि के लिए काम करिए और हमेशा ज्ञान के लिए काम करिए, क्योंकि ज्ञान का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। ये जीवन में हर एक स्फेयर पर, हर एक मोड़ पर आपके लिए काम आने वाला है, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ पर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, पसंद आए तो Don't forget. So bye bye. See you in the next session very soon guys.